मैं जनपद अध्यक्ष भतरवार अनीता मोती सिंह रावत, रेत माफियों से मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैंने उनके काले कारनामे रेत उत्खनन का काला चिट्ठा प्रशासन के और जमाने के सामने रख दिया है। इस वजह से मुझे वो आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे पास जो मेरी खुद की सुरक्षा थी रायफल, वो भी उन लोगों ने मेरे पति की जब्त कर ली है। और हफ्ते में 3 से 4 दिन मेरा भतरवार जाना होता है, चूँकि मैं जनपद अध्यक्ष हूँ। अगर इस बीच मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगा। मैं उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराऊंगी। कई बार मैंने पुलिस प्रशासन से पुलिस बल भी मांगा, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा कोई सहयोग नहीं किया है। और मैंने IG से लेके SP साहब को और IG ऑफिस में और माइनिंग वालों को सभी जगह आवेदन दिए, लेकिन वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे मैं बहुत ही असंतुष्ट हूँ। भीतरवार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भीतरवार जनपद अध्यक्ष अनीता मोती सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, प्रदेश की सबसे बड़ी अवैध रेत खदान लुहारी को लेकर यह धमकी दी गई है। जनपद अध्यक्ष अनीता सिंह द्वारा रेत माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा था, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक से की है। लुहारी रेत खदान को लेकर रेत कंपनी के द्वारा अनीता मोती सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। और इस मामले पर पूरे विस्तार से जानने के लिए हम जुड़ चुके हैं भीतरवार से हमारे सहयोगी इमरान खान के साथ। इमरान, हमें बताइए कि पूरा मामला क्या है। भावना, मैं आपको बता दूं, भीतरवार अनुभाग में लोहारी रेत खदान जो है वो शायद प्रदेश की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है, क्योंकि इसलिए मानी जाती है कि यहाँ पर आए दिन विवादों में रहती है। और इस खदान पर इतने सारे प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा अगर कोई विवाद हुआ, चाहे फायरिंग हो, चाहे वो कैसी भी घटना हो, उसको लेकर अनीता मोती सिंह रावत जो भीतरवार जनपद की अध्यक्ष है, इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि हमारे से अवैध रेत नहीं निकाली जाए। तो इससे पहले इनके साथ इनने करीब एक से दो महीने पूर्व की मैं अगर बात करूं तो भीतरवार बीच शहर में डंपर रोका था, जिस पर भी इन पर डंपर चालक ने डंपर चढ़ाई दिया होता, लेकिन वो तो ये है कि बीच बाजार में था तो साइड में हो गए। तो उसके बाद इनके इन पे रेत ठेकेदार ने FIR भी कराई। उसके बाद इनका जो राइफल थी वो भी थाने में रखी हुई है। और अनीता मोती सिंह रावत के द्वारा आज एक वीडियो खुद से जारी किया गया कि मुझे रेत माफियाओं द्वारा बराबर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, तो इसके बाद क्या कोई पुलिस कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराई है इस मामले पर? अभी तो इनका वायरल वीडियो हुआ है, अब देखते हैं कि ये पुलिस कंप्लेन भी इन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि मैं पुलिस प्रशासन भीतरवार थाना प्रभारी से लेकर और SP तक मैं इस चीज को बता चुकी हूँ कि मुझे बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मैं मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुकी हूँ, उसके बाद भी मेरे को ना तो कोई सुरक्षा दी जा रही है, और मैं जब भी सुरक्षा प्रशासन से मांगती हूँ तो मुझे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, और मुझे मेरी जान को खतरा है। और जिसका जिम्मेदार इसने ये भी कहा है वीडियो में अनीता सिंह ने कि मुझे मेरी जान का खतरा, अगर मुझे कुछ होता तो जिसकी जिम्मेदार भीतरवार पुलिस या ग्वालियर जिले की पुलिस प्रशासन होगी। जी, लेकिन ये जिस तरह से जो आरोपी है रेत खदान के, वो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है वहाँ पर, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि जमीन में गाड़ दूंगा, तो उनका कोई खौफ नहीं है उनके ऊपर? भावना, मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि मैं माफियाओं को जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फुट गहरा गाड़ दूंगा, लेकिन ये असर ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं मुख्यमंत्री जी का देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 11 तारीख को रात में भी लोहारी घाट से लेकर बिलौआ तक फायरिंग होती गई और रेत माफिया आपस में लड़ते रहे। उसके बाद उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद केवल 2 लोगों पर FIR करके खानापूर्ति कर दी है। भीतरवार प्रशासन की बात करूं मैं, चाहे डबरा प्रशासन की बात करूं, चाहे ग्वालियर जिले के प्रशासन पुलिस अधीक्षक की बात करूं, बिल्कुल भी रेत माफियाओं के खिलाफ इन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया। रेत माफियाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। और शिवराज सिंह जी चौहान एक तरफ ये वादे करते हैं कि माफियाओं को 10 फुट गहरा गाड़ दूंगा, और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, आए दिन फायरिंग होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी रेत माफियाओं पर कोई असर देखने को नहीं मिलता, जिसका आज जीता जागता उदाहरण आपने देखा। एक जनप्रतिनिधि जो कि जनपद अध्यक्ष है, वो खुद इस चीज को वीडियो वायरल अपने आप से कह रही है कि मुझे रेत माफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो आप ये समझिए कि आम आदमी का क्या इसमें वो होगा, जनप्रतिनिधियों की ये हालत है।
जी जी बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब कोई भी व्यक्ति बुराई के खिलाफ अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए जो लोग सामने आए, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद भी क्या प्रशासन से कुछ हलचल तेज हुई है या कुछ सामने आ रहा है कि प्रशासन इसको लेकर के कुछ आगे कार्रवाई करेगा या नहीं? भावना, ये वीडियो अभी मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 मिनट पहले ये वीडियो वायरल हुआ है और शायद प्रशासन, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई, अगर कोई कार्रवाई प्रशासन करता पहले से तो आज ये वाली नौबत आती भी नहीं, क्योंकि पहले भी जनपद अध्यक्ष ने कई शिकायतें की है। उस पर जब बीच बाजार में डंपर चढ़ाने की कोशिश रेत माफिया के डंपर के ड्राइवर ने की, जब उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टी FIR अनीता मोती सिंह रावत के ऊपर रेत के जो ठेकेदार है उनने उल्टी FIR पुलिस प्रशासन ने उन पर की। अगर वो प्रशासन एक्शन लेता तो आज इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा वीडियो अनीता मोती सिंह शायद वायरल नहीं करती। जी बिल्कुल इमरान, सारी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। मैं जनपद अध्यक्ष भतरवार अनीता मोती